हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है पाइनस का सेशन 2 है, यानी कि जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था पाइनस का, वो हमने एक्सटर्नल फीचर्स के बारे में बात की थी, इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा था। लेकिन जो आज का सेकंड लेक्चर है ये है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ पाइनस, मेल कॉर्न, फीमेल कॉर्न, सीड, ओव्यूल, सभी के बारे में पॉलिनेशन किस तरह से होता है डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चन इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट से पूछ लिए जाते हैं। सो अब हम बात करते हैं पाइनस के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। जो प्लांट बॉडी होती है इनकी स्पोरोफिटिक होती है, यानी कि जो पाइनस है रूट, स्टेम और लीव्स में डिवाइड हुई होती है। जो पाइनस है ये होती है मोनोइसियस। जो फीमेल सेक्स ऑर्गन और मेल सेक्स ऑर्गन सेम ही प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स और स्ट्रोबिली। जो मेल है मेल कौन होंगे, फीमेल फीमेल कौन होंगे, सेम ही प्लांट प्रेजेंट रहते हैं लेकिन अलग अलग ब्रांचेस पर। कैसे प्रेजेंट होते हैं? ऑन द सेपरेट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट। सेम ही प्लांट के अलग अलग ब्रांचेस पर मेल और फीमेल कौन प्रेजेंट रहते हैं, तो ये मोनोइसियस होते हैं। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो मेल कौन जो रहते हैं, कई सारे मेल कौन एक साथ मतलब क्लस्टर्स की फॉर्म में गुच्छे से प्रेजेंट रहते हैं, और ये क्या कंसिस्ट करते हैं, ये माइक्रोस्पोरोफिल कंसिस्ट करते हैं। और जो फीमेल कॉर्न होती हैं वो क्या कंसिस्ट करती हैं, फीमेल कॉर्न्स कंसिस्ट ऑफ मेगास्पोरोफिल। मेल कॉर्न कंसिस्ट क्या करेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, जिसमें कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, और फीमेल कॉर्न क्या कंसिस्ट करेंगे, मेगास्पोरोफिल। मेल कॉर्न जो रहते हैं प्लांट के डेवलपमेंट होते हैं फीमेल कॉर्न से पहले डेवलप हो जाते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो मेल कॉर्न होते हैं प्लांट्स में वो फीमेल कॉर्न से थोड़ा पहले डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मेल कॉर्न के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, हर बार 3 से 4 क्वेश्चन पाइनस से ही पूछे जाते हैं, आप ये प्रीवियस पेपर में भी आपने देख लिया होगा। मेल कॉर्न जो रहता है बेसिकली ये डेवलप होते हैं, मैंने अभी बताया, क्लस्टर्स की फॉर्म में गुच्छा सा बना लेते हैं, डेवलप हो जाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये होता है कि डेवलप कहाँ रहते हैं, 2 तरह के लीव्स होती हैं, फॉलियस लीव, स्केल लीव्स। तो मेल कॉर्न जो रहते हैं ये इसके लीव्स के एक्सिल पर, जो इसके लीव्स कहाँ है, लॉन्ग शूट के पास प्रेजेंट है, वहीं डेवलप हो जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो मेल कॉर्न होते हैं वो इसके लीव्स के बिल्कुल एक्सिल रीजन पर प्रेजेंट होते हैं, और वो भी क्लस्टर्स की फॉर्म में। अब एक बात और याद आपको रखनी है कि ये मेल कॉर्न जो रहते हैं जो ड्वार्फ शूट होता है, देर प्लेस द ड्वार्फ शूट ऑफ द लॉन्ग शूट, लॉन्ग शूट के ड्वार्फ शूट के रिप्लेस कर देते हैं। ईच मेल कॉर्न, जो मेल कॉर्न है उसकी शेप कई बार पूछ ली जाती है, तो ये होते हैं ओवोइड, एवोइड नहीं, ओवोइड कर लेना, इसे टाइपिंग में एरर है, ओवोइड होते हैं शेप में। और इनकी रेंज जो होती है, हर एक मेल कॉर्न की लेंथ जो है वो कम से कम 1.5 टू 2.5 सेंटीमीटर तक की लेंथ इनकी देखी जाती है, ठीक है, याद रखना है 1.5 से 2.5 तक की लेंथ सेंटीमीटर में इनकी लेंथ देखी जाती है। अब हम बात करते हैं मेल कॉर्न के बारे में। मेल कॉर्न जो रहता है इसके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मेल कॉर्न कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरोफिल्स। मेल कॉर्न्स के पास बहुत सारे माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं, वो कहाँ अरेंज रहते हैं, बिल्कुल कॉर्न के एक्सिस पर स्पायरली अरेंज रहते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल किसके समतुल्य हैं, अभी बात करते हैं। जो माइक्रोस्पोरोफिल होते हैं पाइनस के इज कंपेरेबल विद द स्टेम ऑफ द फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म। जैसे एंजियोस्पर्म का फ्लावर होता है, सेम वैसे उससे तुलना की जाती है उसके स्टेम से किसके, माइक्रोस्पोरोफिल के, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इसके पास एक तो स्टॉक होता है जिसको कि फिलामेंट कहते हैं, जो कि इसके फिलामेंट के समतुल्य है, इसके टर्मिनल लीफी एक्सपेंज जिसको कि एंथर के समतुल्य है, बिल्कुल जो अपवर्ड कंडीशन में होती है उसको एपोफाइसिस कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोरिंजिया में माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल के जस्ट नीचे वाले सर्फेस पर माइक्रोस्पोरिंजिया पाए जाते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरिंजिया होते हैं ये बिल्कुल एक थैलीनुमा संरचना होती है, माइक्रोस्पोरिंजिया में पोलन सेक भरे हुए होते हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया था, अंडर सरफेस ऑफ ईच माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरिंजिया कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हर एक माइक्रोस्पोरोफिल के अंडर सरफेस पर, ठीक है, इन ईच माइक्रोस्पोरिंजियम। अब हर एक माइक्रोस्पोरिंजियम में क्या प्रेजेंट होते हैं, मैनी माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, समझ में आ गया। पोलन ग्रेन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मेल कॉर्न के माइक्रोस्पोरिंजियम में। माइक्रोस्पोरिंजिया कहाँ है, माइक्रोस्पोरोफिल में भरे हुए होते हैं, इन्हीं में क्या पाए जाते हैं, पोलन ग्रेन्स। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन थी, नोट करके चलना। अब हम बात करते हैं ईच माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर कहें तो पोलन ग्रेन कहें, एक ही बात होती है, इनकी शेप होती है राउंड, बिल्कुल गोल से होते हैं, और एकदम लाइट स्ट्रक्चर, येलो कलर्ड लाइट, बिल्कुल एकदम येलो लाइट जो होता है, लाइट येलो कलर का इनका कलर होता है। यूनिन्यूक्लियेट स्ट्रक्चर, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस इन्हें प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें कि जो पोलन ग्रेन होते हैं उनकी कवरिंग पूछी जाती है कि कौन सी लेयर प्रेजेंट है, तो उसमें 2 तरह की लेयर पाई जाती हैं पोलन ग्रेन में। आउटर होती है थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी मोटी लेयर होती है जो कि होती है एग्जाइन, याद रखना एग्जाइन बाहर वाली लेयर है, एंड थिन जो पतली लेयर होती है वो होती है इंटाइन, जो कि अंदर की तरफ प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो
फाइनेंस का सेकंड लेक्चर बस कंप्लीट ही होने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को लाइक ज़रूर कर लेना, शेयर करना वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। पूरा डिटेल में जितना भी सिलेबस है हमारा टीजीटी पीजीटी का, आपको इस चैनल के माध्यम से सारी वीडियोस दे दी जाएंगी। लेकिन आपको थोड़ा सपोर्ट करना है कि आपको सब्सक्राइब कर लिया करो चैनल को। अब हम बात करते हैं फीमेल कोन के बारे में। मेल कोन हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम में वो सब इंक्लूड किए हैं, जितने एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस एग्जाम में जो पॉइंट उन सभी को इंक्लूड किया गया था। तो फीमेल कोन के बारे में अगर हम लोग बात करें, फीमेल कोन जो रहते हैं डेवलप होते हैं अदर सॉलिटरी, या तो सिंगल प्रेजेंट हो सकते हैं फीमेल कोन, सिर्फ एक प्लांट पर एक ही फीमेल कोन होगा, या फिर गुच्छों में भी हो सकते हैं, मतलब कि ग्रुप बना लेते हैं। अब ग्रुप में रहेंगे तो कैसे, दो से चार का ग्रुप बना लेते हैं जो फीमेल कोन रहते हैं, ठीक है। अब ये भी कहाँ डेवलप होते हैं, देखो मेल कॉन डेवलप हो रहे थे स्किल लीव्स पर, सेम वही चीज़ होती है फीमेल कॉन, दे ऑल्सो डेवलप इन द एक्सल ऑफ स्किल लीव्स। मेल कॉन और फीमेल कॉन दोनों ही स्किल लीव्स के एक्सल पर पाए जाते हैं। अब हमें स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं ये फीमेल कॉन का स्ट्रक्चर, ये यंग का है और ये मैच्योर का है। यंग जब रहता है फीमेल कॉन तो वो किस तरीके से, ये तो देखो बर्ड स्किल निकली हुई है, इनसे दो तरह की स्किल में पाई जाती है, एक तो रहती है ओव्यूलिफेरस स्किल और एक रहती है ब्रैक्ट स्किल, और ये जो सेंटर में आप देख रहे हैं ये होता है कोन एक्सिस, ठीक है। ये पूरा फीमेल कौन होता है और ये होता है ये यंग स्टेज में, ये मैच्योर कंडीशन में, ये वाला यहाँ सेंटर में मेल कौन है जो कि थोड़ा इलोंगेट हो जाता है, ठीक है। ये ओवरीफर स्केल है, ब्रैक्ट स्केल है, सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा मैच्योरिटी में जाके थोड़ा इलोंगेट हो जाता है, थोड़ा सिलेंड्रिकल शेप में हो जाता है जो फीमेल कौन है, और ये यहाँ ओव्यूल प्रेजेंट है जो कि सीड में ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग देखें, ईच फीमेल कौन, हर एक फीमेल कौन ओवॉइड होता है स्ट्रक्चर में, लेकिन ओवॉइड कब होगा, जब वो यंग होगा। मैंने अभी बात की थी कि जैसे ही ये मैच्योरिटी पर आएंगे, क्या जो पाइनस होते हैं इनकी शेप कैसे होती है, इलोंगेट और सिलेंड्रिकल, वापस से देखते हैं यही चीज़ें। ईच फीमेल कॉन इज एन ओवॉइड स्ट्रक्चर, हर एक फीमेल कॉन का ओवॉइड स्ट्रक्चर है। ओवॉइड कब है, जब वो यंग है, बट बिकम्स इलोंगेट, थोड़ा लंबा सा हो जाता है और सिलेंड्रिकल हो जाता है शेप में जब वो मैच्योरिटी पर आते हैं, ठीक है। इन द सेंटर, सेंटर में क्या प्रेजेंट था, कोन एक्सिस प्रेजेंट था, ये हमने बात देखी थी। अब हम बात करते, देखो मैंने मेल कॉन के बारे में बताया था, मेल कॉन के पास माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, वहीं जो फीमेल कॉन होती है उनके पास मेगास्पोरोफिल प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो मेनी मेगास्पोरोफिल आर अरेंज स्पायरली ऑन द कोन एक्सिस, वही बात है कि बिल्कुल कोन एक्सिस में स्पायरली अरेंज्ड होते हैं मेगास्पोरोफिल जो रहते हैं। मेगास्पोरोफिल जो रहते हैं कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, बिल्कुल मिडल ऑफ द स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस कोन के बारे में बात की गई है, स्ट्रोबिलस कहो या तो कोन कहो एक ही बात होती है। तो मेगास्पोरोफिल जो रहते हैं ये बिल्कुल मिडल में प्रेजेंट रहते हैं, मिडल में बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये थोड़ा एपेक्स पर यानी कि थोड़े टॉप पर जाते हैं स्ट्रोबिलस के, तो ये साइज में घटना शुरू हो जाते हैं, डिक्रीज इन साइज टुवर्ड द बेस एंड एपेक्स। बीच में रहेंगे तो थोड़े लंबे से रहेंगे मेगास्पोरोफिल, लेकिन जब थोड़ा टॉप पे या फिर थोड़ा नीचे जाते हैं तो कैसे हो जाते हैं, साइज में डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, आप ये देख रहे हैं ये है फीमेल कॉर्न, ये इस पर मेगास्पोरोफिल अरेंज रहते हैं, मेगास्पोर थोड़े वुडी से हैं, लूजली अरेंज, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा फीमेल कॉन का एलएस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, हर एक मेगास्पोरोफिल जिसमें कि दो तरह की स्केल होती है जो कि हमने डिटेल में देखा था, एक तो होती है ब्रैक्ट स्केल और दूसरी होती है ओव्यूलिफेरस स्केल, तो दोनों ही तरह की स्केल में पाई जाती हैं। एट द बेस ऑफ द अपर सर्फेस ऑफ ईच ओव्यूलिफेरस स्केल, ओव्यूलिफेरस के जस्ट अपर सर्फेस होता है बेस का, उसमें दो सेसाइल यानी कि बिल्कुल स्थिर नेग्ड ओव्यूल्स पाए जाते हैं। कितने ओव्यूल्स पाए जाते हैं, दो। मेगास्पोरोफिल में क्या मिलेंगे हमको, दो ससाइल और नेग्ड ओव्यूल्स, ठीक है, संख्या याद रख लेना। नेक्स्ट बात अगर हम करें, अब हम बात करते हैं ओव्यूल की, ओव्यूल कैसा होता है, ऑर्थोट्रोपस, जिसमें कि जो ऑर्थोट्रोपस किसे कहते हैं, माइक्रोपाइल सिंगल, मतलब कि माउथ की तरह ओपनिंग होती है, बिल्कुल टॉपर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। जो ओव्यूल है ऑर्थोट्रोपस जो रहता है ये हमेशा रिमेन सराउंडेड बाय अ सिंगल इंटीग्यूमेंट, एक सिंगल लेयर से कवर्ड होता है। वो कवर्ड कैसे, मतलब वो लेयर कैसी है, जिसमें कि आउटर फ्लैशी बाहर की तरफ थोड़ी गूदे वाली सी इसकी लेयर होती है, और मिडल में रहेंगे थोड़ी स्टोनी, थोड़ी वुडी सी, ठीक है, और अंदर फिर फ्लैशी लेयर होती है। याद रखना मैंने क्या बात कही, जो ओव्यूल है इसकी कवरिंग है, कवर करे हुए इसको एक लेयर, वो लेयर बाहर थोड़ी फ्लैशी है, अंदर से भी फ्लैशी है, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है उसका वो थोड़ा कैसा है, स्टोनी, थोड़ा मतलब कि वुडी टाइप है। अब ये जो ओव्यूल होता है इसकी ओपनिंग कैसे होती है, इट ओपन्स विद ए माउथ ओपनिंग, एक माउथ की तरह ओपनिंग होती है माइक्रोपाइल की, जिसे कहते हैं माइक्रोपाइल। ओव्यूल जो होता है एक माइक्रोपाइल के थ्रू खुल जाता है, ठीक है, जो इसकी माउथ लाइक ओपनिंग, उसको माइक्रोपाइल कहा जाता है। इंटीग्यूमेंट यानी कि जो लेयर है ये किसको सराउंड, किसको घेरे रहती है, मेगास्पोरेंजियम कहें तो न्यूसेलस कहें, एक ही बात होती है, उसको घेरे रहती है। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, आप यहाँ देख सकते हैं ये ओव्यूल है, ये है इंटीग्यूमेंट जो कि इसकी लेयर जिसको घेरे हुए है, ये पॉलिनेशन ड्रॉपलेट है, ये माइक्रोपाइल जिसके मैंने बताया था ना माउथ की तरह ओपनिंग होती है, जिसकी तरह ओव्यूल खुल रहा था जिसमें से, तो माइक्रोपाइल है ये, पोलन चैम्बर जिसके जस्ट
माइक्रोपाइल के अपोजिट में क्या प्रेजेंट है, पोलन चैम्बर, इसमें पोलन कंटेन किए जाते हैं। ये मेगास्पोरेंजियम है, या न्यूसेलस का हो मेगास्पोरेंजियम का, एक ही बात जो कि द्विगुणित यानी कि 2N होती है। ये आर्चिगोनियम है, आर्चिगोनियम फीमेल में होते हैं और एंथ्रीडिया मेल में होते हैं। ये इनके एग हैं, ये मल्टी सेलर फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, अभी हमने बात की थी कि जस्ट अपोजिट द माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट क्या प्रेजेंट है, पोलन चैम्बर, जिसमें कि पोलन कंटेन किए जाते हैं। इन द एंडोस्पर्म, अब जो फीमेल गैमेटोफाइट है, एंडोस्पर्म कहें या तो फीमेल गैमेटोफाइट कहें, एक ही बात होती है, टर्म भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एंडोस्पर्म कहें या तो फीमेल गैमेटोफाइट कहें, इनमें 2 से 5 आर्चिगोनिया प्रेजेंट रहते हैं। अब हम बात करते हैं सीड की, जो सीड है ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, सीड बन जाता है। तो दोनों ही जो ओव्यूल्स रहते हैं, हर माइक्रो ओव्यूलिफेरस स्केल में प्रेजेंट होते हैं, डेवलप किसमें हो जाते हैं, सीड में डेवलप हो जाए, जो ओव्यूल है किसमें बन जाते हैं, ये सीड को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। जो सीड है ये इन्वलप्ड यानी कि कवर रहते हैं एक सीड कोट से, ये जो सीड है सीड कोट इनको घेरे हुए रहता है, मतलब कवरिंग होती है, जिसको सीड कोट कहा जाता है। सीड कोट का डेवलपमेंट कहाँ से होता है, देखो जो ओव्यूल में 3 लेयर थी, आउटर फ्लैशी, मिडल स्टोनी एंड इनर फ्लैशी। तो जो मिडल स्टोनी लेयर रहती है वो क्या बनाती है, वो उसका सीड कोट बनाती है, क्योंकि जो स्टोनी है तो थोड़ा नेचर में थिक होगी, तो थिक इसका सीड कोट बना देती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो इनर फ्लैशी लेयर है, देखो 3 लेयर प्रेजेंट थी, आउटर फ्लैशी था, इनर भी फ्लैशी था। जो इनर फ्लैशी लेयर होती है वो तो सर्वाइव करती है बहुत लंबे टाइम तक, लेकिन जो आउटर फ्लैशी लेयर होती है वो कैसे होती है, वो डिसअपियर हो जाती है, ये गायब हो जाती है। वेल डेवलप एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट, बहुत ही अच्छे से वेल डेवलप एंडोस्पर्म इनमें पाया जाता है फीमेल कोन्स में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन द सेंटर, सेंटर में क्या प्रेजेंट है, सेंटर में एम्ब्रियो पाया जाता है, जिसमें कि हाइपोकोटाइल होता है, रेडिकल होते हैं, प्लम्यूल होते हैं और 2 से 14 कॉटिलिडींस भी पाए जाते हैं। अब एक बार हम इसका पॉलिनेशन देख लेते हैं। पॉलिनेशन जो होता है, अब हर एक ओव्यूल में, ओव्यूल जो होता है ये सिक्रीट करता है चिपचिपा सा एक ड्रॉप, एक चिपचिपा सा सब्सटेंस इसके पास प्रेजेंट रहते हैं ओव्यूल का, जिसको ये सिक्रीट करते हैं। और कहाँ सिक्रीट करते हैं, बिल्कुल माइक्रोपाइलर पर। माइक्रोपाइलर क्या है, ओव्यूल की ओपनिंग है जिसमें ओव्यूल खुलते हैं, जहाँ सीड मतलब कि वो है एग प्रेजेंट रहते हैं, तो इसी तरह से फर्टिलाइजेशन होगा। तो माइक्रोपाइल पर ये क्या करते हैं, वो जो चिपचिपा सा पदार्थ है उसको सिक्रीट कर देते हैं। और क्या बनाते हैं उस पदार्थ को सिक्रीट करने के बाद, एंड इट फॉर्म्स अ पैसेज फॉर द एंट्री ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये उसका जो पोलन ग्रेन रहता है ना, उसका जाने का रास्ता बना देते हैं। ये जो ओव्यूल का जो चिपचिपा पदार्थ रहता है ना, जो सिक्रीट होता है, उससे क्या रहता है कि पोलन ग्रेन अंदर आसानी से जा सके, उसका एक रास्ता बना देता है। अब जो वाइंड है यानी कि जो हवा है, कैरी करती है पोलन ग्रेन, भाई हवा में पोलन ग्रेन आ जाते हैं, तो पोलन ग्रेन को ये कैरी करते हैं, लेकिन कहाँ डाल देता है, फिर मुसलेट ड्रॉप एंड इंटीग्रल द पोलन ग्रेन, उसको वहाँ डाल दिया जाता है पोलन ग्रेन पर। पोलन ग्रेन इज कैरीड थ्रू द माइक्रोपाइल, पोलन ग्रेन जो है माइक्रोपाइल के थ्रू अंदर जाते हैं, किसके सरफेस, न्यूसेलस के सरफेस पर, वहाँ एग रहता है, उसको फर्टिलाइज कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाता है और न्यू उसका कोन का डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा पूरा सेशन कंप्लीट हो चुका है। पाइनस के दोनों ही लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं हमने, कोई भी ऐसा सेशन मतलब पॉइंट ऐसा नहीं जो कि हम डिटेल में डिस्कस नहीं किया है इसका। तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।